साबुदाना बड़ी बनाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र फेवरेट आइटम है ये। ये साबुदाना 250 ग्राम है, इसको भीगने के लिए 4 से 5 घंटा भिगाने के लिए छोड़ दीजिए पानी में। बॉयल भीगने के बाद इसको 15 से 20 मिनट पहले छान लीजिए बनाने से पहले। ये 8 से 10 आलू है, छोटा छोटा पीस है, 5 से 6 पीस पड़ेगा, इसलिए छोटा आलू है, इसलिए 8-10 पीस लिए हैं 250 ग्राम साबुदाना के लिए। ये सिंगदाना का बारीक बारीक कूटा हुआ है, हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप्स काटा हुआ है, और धनिया पत्ता है, और थोड़ा सा लेमन। सबसे पहले हम टोप लेंगे और आलू को जो है स्मैश हाथ से, इस तरह से आप आलू स्मैश कर दीजिएगा। ये देखिए आलू स्मैश हो गया। इसके बाद हम धनिया पत्ता और ये हरी मिर्च जो काटा है बारीक बारीक चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। इसके बाद सिंगदाना जो कूट के रखे हैं अपन ने ये डाल देंगे, 100 ग्राम सिंगदाना है। अब इसमें साबुदाना थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, इसमें थोड़ा सा लेमन है वो डाल दीजिए, हल्का सा, 1/2 टीस्पून जीरा, नमक 2 स्पून, इसको अभी मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसे गोल गोल राउंड राउंड जैसे करना है, जैसा खाना है ऐसा इसको प्लेट में बना के 3-4 पीस से रख लीजिए। तो महाराष्ट्रन साबुदाना बड़ी नाश्ते का है, गर्मा गर्म टेस्टी और मस्त मज़ेदार, हर एक आदमी पसंद करते हैं, बहुत स्वादिष्ट स्टार होते हैं जो है साबुदाना बड़ी। गरम है इसको हल्का हल्का, आप स्लो आंच में आप कर सकते हैं ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो सके, गैस तेज रहेगा तो सीधा जलना चालू हो जाएगा। देखिए बन के आपको साबुदाना बड़ी रेडी है शुद्ध देसी किचन पे। देखिए साबुदाना बड़ी गर्मा गर्म आपको रेडी है एकदम ब्राउनिश टाइप। तो शुद्ध देसी किचन पे गर्मा गर्म साबुदाना बड़ी आप लोग के रेसिपी हाजिर है, देखते रहिए, घर में बनाने का प्रयास ट्राई कीजिए, फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करते रहिए। शुद्ध देसी किचन देखिए, सब्सक्राइब कमेंट करना लाइक करना मत भूलिएगा।